hello friends welcome to ignite academy india's number one institution for mpsc preparation friends i am nikhil and i welcome you all to the very first session for the gd preparation this is an introductory session in which we will be discussing about how a gd should be conducted what is gd in fact then what kinds of gds are there एंड देन एंड स्टार्ट वेरी सुन आई बी ऑल्सो शेयरिंग द डिटेल्स अबाउट इट दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एम पी एस सी की एग्जाम कम्प्लीट हो चुकी है और आप सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं और अब जितने एस्पिरेंट्स हैं उन सारे ही एस्पिरेंट्स को आने वाले दिन में शायद फेबर या मार्च तक ग्रुप डिस्कशन नाम का एक राउंड फेस करना है अब यकीन मानिए कि जितने स्टूडेंट्स से मैं रूबरू हुआ जितने स्टूडेंट्स के साथ मैंने इन दिनों बात की बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है मुझे एक्साइटमेंट या इंटरेस्टिंग वे तो नजर नहीं आया ज्यादा लेकिन कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है यू कहे तो स्टूडेंट्स थोड़े से डरे हुए हैं उनको लग रहा है फिफ्टी मार्क्स की जी होने वाली है तो ये जी कैसे होगी इस जी में कितने लोग बात करेंगे क्या बात करेंगे हमको कौन सी भाषा में बात करना अलाउ किया जाएगा फिर हम सिर्फ दो चार पॉइंट बोल देंगे तो काम बन जाएगा क्या उसके बाद सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा इंग्लिश बोलना जरूरी होगा क्या फिर हमको कौन से कपड़े पहन के जाने हैं एक्सेट्रा 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 स्वाभाविक सी बात है कि इस बार ग्रुप डिस्कशन में ऐसे लोग भी होंगे जिन्होंने इससे पहले कभी जीडी नहीं दी है या फिर जीडी के बारे में सिर्फ सुना है कभी फेस नहीं की है मुझे लगता है ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने जीडी दी तो है लेकिन जीडी में कुछ बहुत बड़ा योगदान बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं रखा है इन सारे ही प्रॉब्लम्स को एक तरीके से एक सेटल uh, डाउन करने के लिए आई डिसाइडेड कि एक वीडियो जरूर बना लिया जाए सो so दैट आपकी सारी ही समस्याएं साधारण लेवल पर एक इंट्रोडक्टरी लेवल पर यहां पर सॉल्व की जा सके इसीलिए यह वीडियो बनाया गया है एकदम इनिशियल लेवल पे सो दैट ग्रुप डिस्कशन ओके जो आपको आज नहीं कल फेस करना ही है उसके बारे में आपको सारी चीजें आज के लेक्चर में विस्तृत रूप से बताई जा सके राइट right? तो आज आपकी बहुत सारी गलत फहमियां भी दूर हो जाएंगी इस वीडियो के साथ और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ग्रुप डिस्कशन के लिए इग्नाइट अकेडमी की तरफ से

बिफोर वी रियली बिगिन मैं आपको जरा सा अपना इंट्रोडक्शन और आज जिस तरीके से सिनारियो बना हुआ है जिसके वजह से ये ग्रुप डिस्कशन जैसी चीजें आई हैं, उनके बारे में भी थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा सो so दैट आपके मन में कोई गुंजाइश ना रहे आपके मन में कोई डाउट ना रहे कि ये सब क्यों किया जा रहा है सो so, दोस्तों एज यू ऑलरेडी नो दैट आई हैव ऑलो प्रिपेय वन इंग्लिश प्रोग्राम मैंने आप लोगों के लिए एक इंग्लिश का प्रोग्राम भी बनाया था एम पी एस सी की प्रिपरेशन के लिए तो मुझे लगभग लगभग एक दस साल का टीचिंग का अनुभव है और हर बार मैंने ये देखा है कि प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीजों को लेकर बच्चों में या उनके अभिभावकों में उनके पेरेंट्स में बहुत ही कम इंटरेस्ट रहता है अगर मैं आम पे किसी स्टूडेंट से मिलता हूं और जब भी उनसे बात करता हूं तो मैं हमेशा यह देखता हूं कि स्टूडेंट सिर्फ उतने ही ज्ञान की अपेक्षा रखता है एक टीचर से जितना उसको एग्जाम में काम आने वाला है बस एक्स्ट्रा की कोई बातें सुनने की इच्छा ही नहीं है एक्स्ट्रा की कोई जानकारी इकट्ठा करने का कोई एक उसकी टेंडेंसी ही नहीं है कि एक्स्ट्रा की कोई जानकारी वो इकट्ठा करे और ओवरऑल 360 डिग्री पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए इसके ऊपर कभी वो अपने दायरे बढ़ाना ही नहीं चाहता है नतीजा यह होता है कि किसी दिन इस तरह की कोई परिस्थिति आ जाती है जहां पर उसको ये सारी चीजें एक साथ पूछी जाती है एग्जाम्पल के लिए ग्रुप डिस्कशन अब आप देखिए ना ये ग्रुप डिस्कशन जहां पर आपके साथ और नौ लोग होंगे तो टोटल दस लोगों का एक ग्रुप होगा और आपको किसी विषय पर चर्चा करनी होगी अपनी बातें रखनी होंगी स्वाभाविक सी बात है कि टॉपिक आपको पता नहीं होंगे आपके लिए सरप्राइज होगा वो टॉपिक जिस विषय पर बात करनी है वो किसी भी विषय का टॉपिक हो सकता है वो कला के क्षेत्र का हो सकता है वो विज्ञान के क्षेत्र का हो सकता है अर्थशास्त्र का हो सकता है वो खेलकूद से संबंधित हो सकता है वो पॉलिटिक्स का हो सकता है वो अंतरराष्ट्रीय विचारों पर हो सकता है सामाजिक अध्ययन के ऊपर हो सकता है कुछ भी हो सकता है ऐसे में एक स्टूडेंट को अपनी सोच समझ का दायरा आज नहीं तो कल विकसित करना ही होगा राइट इन बातों को भी हमें गंभीरता से लेना चाहिए हमें इस बात का जरूर जरूर ख्याल करना चाहिए कि जब एमपीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा तो हमारे सेलेक्टर्स हमसे बेसिकली क्या उम्मीद रखते हैं गाइस इस बात को आप ठंडे दिमाग से एक बार सोचिए कि आप एमपीएससी क्वालिफाई कर गए हैं अब आप किसी एक पब्लिक डिपार्टमेंट में एक अधिकारी पोस्ट के ऊपर हैं आम जनता के साथ आपको रोज इंटरेक्ट करना है आपको ईमेल ड्राफ्ट करने हैं आपको नोटिफिकेशंस पढ़ने हैं आपको सरकारी गैजेट लगाने हैं आपको सरकारी गैजेट बनाने हैं सर्कुलर्स पढ़ने हैं नोटिस बनाने हैं बहुत सी चीजें हैं इसका मतलब ये कि आपको केवल आपके क्षेत्र की चार बातें पता हो तो काम बनेगा नहीं इसका मतलब ये कि न केवल आपके पास ज्ञान होना चाहिए बल्कि उसको पेश करने का एक अच्छा ढंग भी होना चाहिए और इसका मतलब ये कि आपके ज्ञान को आप लोगों के सामने कितनी अच्छी पर्सनालिटी के साथ रखते हैं यह भी तय करेगा यह ग्रुप डिस्कशन इसका मतलब यह हुआ ओवरऑल कि आपकी कंप्लीट पर्सनालिटी को जज करने के लिए यह ग्रुप डिस्कशन का राउंड रखा गया है राइट right. तो मैं सबसे पहले आपसे यही अपील करूंगा कि भले आप अपनी तैयारी इग्नाइट एकेडमी के माध्यम से करें या कहीं और से करें या खुद से करें लेकिन कोशिश करिए कि आज के बाद आपके अंदर एक टेंडेंसी हो कि 360 डिग्री नॉलेज गेन करना है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गया वो समय जब आप किसी एक टॉपिक के ऊपर सिर्फ एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाया करते थे एग्जाम्पल के लिए जीडीपी किसी स्टूडेंट को अगर पूछा जाए कि जीडीपी क्या होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बस हो गए बात खत्म अब बात वहां तक खत्म नहीं होती अब आपको जीडीपी क्या है जीडीपी कैसे कैलकुलेट की जाती है जीडीपी का अर्थशास्त्र पे क्या असर पड़ता है इस साल की जीडीपी कितनी थी पिछले साल की जीडीपी कितनी थी इस साल जीडीपी कम होने के बड़े कारण क्या है ये सारी बातें ये सारे डायमेंशन की अब आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि जिस पोजीशन पे आप जा रहे हैं जिस बड़े एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं वहां पर आपका व्यक्तित्व नापने के लिए छानने के लिए ऐसे बहुत से पैरामीटर्स है जहां पर हो सकता है कि आपके साथ आए हुए बाकी के स्टूडेंट्स आपसे काफी अच्छा परफॉर्म करें और इसीलिए इस पूरे प्रोग्राम को हमने ऐसे डिजाइन किया है सो दैट कोई गुंजाइश ना रहे आपकी तैयारी में राइट इसीलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत में ही मैं आपको कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूं और अपने इंट्रोडक्शन से ही शुरू करूंगा सो एज यू ऑलरेडी नो गाइस मेरा नाम है निखिल एंड दस साल का टीचिंग अनुभव है मुझे करीबन करीबन 2009 से मैं टीचिंग कर रहा हूं तो आज लगभग 10 साल हो चुके हैं टीचिंग करते हुए इनफैक्ट ये मेरा ग्यारवा साल है क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है एम मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये मेरा स्पेशलाइजेशन रहा पुणे के अच्छे शानदार कॉलेज से मेरा एमबीए हुआ है मैं अपने बैच में एक टॉप नॉच परफॉर्मर था और उसके बाद मैंने दो मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है पांच साल के लिए जिसमें से एक कंपनी जो आपने सुनी ही होगी एम टायर्स जो कि इंडिया की लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रही कैंपस प्लेसमेंट में मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ था और जब कैंपस प्लेसमेंट में सिलेक्शन हुआ तो उस समय ऑब्वियसली मुझे भी जीडी देनी पड़ी थी और एक नहीं दो दो जीडी देनी पड़ी थी वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी तक इंजीनियरिंग उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद जो कैंपस प्लेसमेंट हुआ वो उसके बाद फिर एम के समय कॉलेज चुनते समय जब फिर से ग्रुप डिस्कशन फेस करना पड़ा वो और उसके बाद फिर जब कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट हुआ वो ऐसे कुल मिलाकर मैंने आज तक आठ जी दी है और आठ में से आठ जी मैंने क्वालिफाई की है राइट फ्रेंकली स्पीकिंग मेरे करियर की शुरुआत भी एज अ जी ट्रेनर के रूप में ही हुई थी सो so, 2009 में मैंने एमबीए के स्टूडेंट्स को जी की प्रिपरेशन करवाना शुरू किया था तो लगभग लगभग ये काम करते हुए जीडी के ऊपर बातें करते हुए खुद जीडी में परफॉर्म करते हुए जीडी के अलग अलग दायरे सिखाते हुए एक अच्छा खासा सफर हमने तय किया है तकरीबन तकरीबन 11 साल का तो मैं जरूर उम्मीद करूंगा कि मेरे ये अनुभव आपके बहुत काम आएंगे ये सारे आपको काफी कुछ समझाते चलेंगे सो so दैट आपकी जीडी में भी हम कोई ना कोई कलर ऐड कर सके आगे बढ़ते हैं दोस्तों ग्रेजुएशन मैंने किया है बी मैकेनिकल में ओके ये नागपुर यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया था और उस समय फाइनल ईयर में मेरा तीन अलग अलग कंपनियों में सिलेक्शन हुआ था आई गॉट सेलेक्टेड फॉर मर्चेंट नेवी मैं सुनील हाईटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड में भी सेलेक्ट हुआ था और साथ में आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में इनमें से दो अलग अलग कैंपस प्लेसमेंट ऐसे थे जहां पर मुझे जीडी फेस करनी पड़ी थी और उसके बाद इंटरव्यू भी हुआ था आपके लिए तो केवल जीडी है हमें तो जीडी के बाद इंटरव्यू भी देना पड़ा था तो इस तरह के सिलेक्शन राउंड हुए थे राइट मैं ओवरऑल यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अलग अलग तरीके से जीडी कोई नया नहीं है और जीडी कोई पहली बार केवल एमपीएससी वाले कंडक्ट करवा रहे हैं ऐसा नहीं है जीडी आज के डेट में अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग नौकरियों के लिए कैंपस प्लेसमेंट में यहां तक कि सीनियर सीनियोरिटी के लिए जो प्रमोशन होते हैं विद इन कंपनीज़ या विद इन ऑफिस विद इन द डिपार्टमेंट वहां पर भी ये जी के राउंड बड़े कॉमन है बड़े आम है ओके दायरा सिर्फ इसी बात का है कि हमें जीडी की आदत है या नहीं और हमें जीडी फेस करने से पहले जीडी के बारे में सारी बातें समझ ली समझ ले, लेनी चाहिए अगर वो पता है तो हमारे लिए जीडी बेहद आसान हो जाएगी तो आइए देखते हैं आगे कुछ और चीजें आज जीडी के ऊपर काफी सारी बातें हमको क्योंकि करनी है यस yes, मैं अपने कुछ टीचिंग अनुभव भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं सो दैट यू शुड बी कन्विंस्ड इनफ राइट सो गाइस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू के एम आर एफ टायर्स में मेरे नौकरी की शुरुआत हुई थी उसके बाद गुडियर टायर्स ये एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी रही इसमें भी मैं ढाई साल काम कर चुका हूँ टीचिंग एक्सपीरियंस की जहां तक बात करें तो मैं महाराष्ट्र के काफी लीडिंग इंस्टीट्यूट के साथ पिछले पांच छह साल में एसोसिएटेड रहा औरंगाबाद के इंस्टीट्यूट लातूर नांदेड़ नागपुर पुणे मुंबई ऐसे अलग अलग इंस्टीट्यूट में मैंने न केवल टीचिंग की है बल्कि जी की तैयारी भी करवाई है टाइम इंस्टीट्यूट ये एक इंटरनेशनल ये एक नेशनल ब्रांड है हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है और टाइम इंस्टीट्यूट में पिछले छह महीने से मैं स्टूडेंट्स को आई के लिए इंग्लिश और जीडी की तैयारी करवा रहा हूं राइट right? इतना ही नहीं इसके अलावा कुछ और अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी रहे जो कि पिछले दस सालों में जिनके साथ मेरे अलग अलग इंट्रैक्शन हुए दो दो तीन तीन दिन के अलग अलग वर्कशॉप मैंने कंडक्ट करवाए हैं जहां पर स्टूडेंट्स को जी की पूरी प्रैक्टिस करवाई गई थी राइट right? अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो जी इसके साथ साथ ग्रुप एक्सरसाइज इसके साथ साथ केस स्टडीज एसे राइटिंग कंपटीशन एक्सटेम्पोरे जिसको हम तात्कालिक भाषण भी कहते हैं आपको स्टेज में सीधे सीधे टॉपिक दे दिया जाता है और आपको उसके ऊपर बोलना होता है और उसके बाद डिबेट्स तो इस तरह के जितने भी स्पीकिंग स्किल्स वाले कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने वाले जिसमें आपके व्यक्तित्व को आपको सामने लाना पड़ता है आपको लोगों के सामने खड़े होकर बोलना पड़ता है इस तरह के बहुत से राउंड्स की प्रैक्टिसेस मैं पिछले आठ से दस साल से करवाता आया हूं तो आप बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर इग्नाइट एकेडमी से अपनी प्रिपरेशन के बारे में विचार कर सकते हैं सो so दैट आपको यहां से वही ट्रेनिंग और वही तजुर्बा मिले जो कि आपको इस एग्जाम के लिए जरूरी है ओके okay. आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ और चीजें हैं ग्रुप डिस्कशन अब सीधे चलते हैं ग्रुप डिस्कशन के बारे में समझ लेते हैं कि दरअसल ये ग्रुप डिस्कशन क्या है क्यों करवाया जाता है ग्रुप डिस्कशन कैसे होता है सो लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट राइट सो लेट्स यस अब ध्यान से देखिए ग्रुप डिस्कशन एज रिटर्न हियर It is a methodology used by an organization to gauge whether the candidate has certain personality traits and or skills that it desires in its members, right? ग्रुप डिस्कशन एक ऐसा तरीका होता है इट इज अ मेथोडोलॉजी एक ऐसा तरीका होता है जिससे किसी भी प्रकार का संस्थान फिर चाहे वो एमपीएससी का कोई डिपार्टमेंट ही क्यों ना हो वो अपने कैंडिडेट में ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश करता है पर्सनालिटी ट्रेट्स का मतलब होता है व्यक्तित्व के अलग अलग प्रकार ऐसी पर्सनालिटी को ढूंढने की कोशिश करता है जो उस कैंडिडेट में उस नौकरी के लिए बेहद जरूरी है उदाहरण के लिए यदि मान लीजिए आपका फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है किसी नौकरी के लिए फील्ड वर्क बहुत ज्यादा है तो जो फील्ड वर्क करेगा ऐसे व्यक्ति की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए या हेल्थ के तरफ उसकी रुचि होनी चाहिए कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसे कस्टमर्स के साथ काफी ज्यादा हैंडलिंग करनी है या कस्टमर्स के साथ काफी ज्यादा इंट्रैक्शन करना है ऐसे व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल बहुत शानदार होनी चाहिए राइट ये सब कुछ ऑब्वियस सी बातें हैं ठीक वैसे ही यदि किसी को कंप्यूटर के सामने बैठकर कैलकुलेशंस का काम करना है तो ऐसे व्यक्ति का गणित का यानी स्टैटिस्टिक्स का पार्ट बेहद मजबूत होना चाहिए नंबर क्रंचिंग का पार्ट मजबूत होना चाहिए तो ठीक वैसे ही आप जिन नौकरियों के लिए अप्लाई कर रहे हैं एमपीएससी में जितनी अलग अलग वैकेंसी के लिए आपका सिलेक्शन होगा आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से आपके जॉब के नेचर के हिसाब से आपके जीडी में जो सेलेक्टर्स होंगे जो पैनल मेंबर्स होंगे वो आपसे उस तरह की डिजायर्ड क्वालिटीज की अपेक्षा रखेंगे आप समझ रहे हैं इस बात को यानी ये तो तय है कि जिस तरह के पर्सनालिटी की उनको अपेक्षा है वो कोशिश करेंगे कि आपको उसी तराजू में वो तौले। और हम यहां के जीडी के पूरे अलग अलग सेशंस में आपको कंप्लीटली उसी रडार में फ्रेम आउट करेंगे और आपको कंप्लीटली वैसे ही ट्रेनिंग देने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स जीडी आखिर क्यों जरूरी है यह जीडी से होता क्या है ध्यान से देखिए। ग्रुप डिस्कशन एम्प्लॉज फॉर द वर्क लाइफ वेयर दे हैव टू बी एक्सीलेंट एट स्पीकिंग स्किल्स सबसे पहले अब तो दुनिया में ऐसी कोई नौकरी बची नहीं जहां पर आमतौर पे आपको बोलने का काम नहीं पड़ता आज के डेट में मुझे ये समझाने की आपको कन्विंस करने की भी जरूरत नहीं है कि कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व इस इंटरनेट और फोर के जमाने में किस हद तक बढ़ चुका है छोटे से छोटे बच्चों से लेकर तो बड़े बड़े जॉब्स तक आज के डेट में कम्युनिकेशन स्किल्स का महत्व बहुत ज्यादा है आप जानते ही हैं यूपीएससी की जब एग्जाम होती है तो यूपीएससी में इंटरव्यूज का महत्व कितना ज्यादा होता है ठीक वैसे ही राज्य सेवा में भी अभी तक ये इंटरव्यू सो so दैट आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स और आप किस तरह के व्यक्ति हैं इन सब चीजों को बिना नापे बिना तोले कोई भी नहीं चाहता कि किसी भी रैंडम इंसान को सेलेक्ट कर लिया जाए तो इस बात से अब फर्क नहीं पड़ता कि आपको नॉलेज कितना है इस बात से फर्क पड़ता है कि आपका नॉलेज आप किस वे में दुनिया के सामने रखते हैं आपका ढंग कैसा है दुनिया के सामने रखने का मैं यहां आप पर आपको एक उदाहरण देता हूं आप जानते हैं जर्मनी में द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक पहले एक तानाशाह आया था जिसका नाम था अडोल्फ हिटलर आई एम श्योर आपने सुना ही होगा हिटलर 1929 में सत्ता में आने की कोशिश कर रहा था और 1933 में वो सत्ता में आ गया राइट right? 29 से 33 तक हिटलर बहुत पॉपुलर हुआ और 33 के बाद तो फिर वो सीधे सीधे फ्यूरर ही बन गया तो फिर तो फिर वो देश का सर्वोपरि था हिटलर जो भी भाषण देता था पब्लिक उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाती थी और वो लोगों को जो सपने दिखाता था हर एक चीज दुनिया उसके हिसाब से मानने लग जाती थी द ओनली थिंग दैट हिटलर यूज टू कैरी इज हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओराटोरियल स्किल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ओरियल स्किल्स ओराटोरियल स्किल्स का मतलब होता है ओरेशन स्किल्स आपकी बोलने की कला इस बोलने की कला ने हिटलर को जर्मनी का उस समय का एक महान शासक बना दिया यह बात और है कि बाद में बहुत सी चीजों में गड़बड़ हो गई लेकिन ओरेटोरियल स्किल्स का अपना महत्व किस हद तक है आप यहां से समझ सकते हैं ओके okay, आज हम अगर ऐसे ही कंपेयर करें कि मनमोहन सिंह के भाषण और मोदी जी के भाषण में ज्यादा टीआरपी कौन से भाषणों में आएगी तो हम सब जानते हैं कि मो मोदी जी के भाषण ज्यादा पॉपुलर होंगे बिकॉज़ ऑफ द वंडरफुल ओरेटरी स्किल्स बिकॉज़ ऑफ द वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स प्रभावशालिता एफिकेसियसनेस आप इस बात को ज्वाइन करने से पहले ही समझ सकते हैं कि चाहे जो भी हो अगर आपकी पर्सनालिटी में कन्विंस करने की कला नहीं है अगर आपकी पर्सनालिटी में लोगों के साथ इंट्रैक्ट करते समय लोगों को किस तरीके से अपनी बातों के साथ मोह लेना है ये कला नहीं है तो आपको वो जल्द से जल्द सीखनी पड़ेगी और इसकी आपको इस जीडी में भी बेहद जरूरत पड़ेगी तो हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि आपको ये सारी ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स ये अच्छी अच्छी टेक्निक सिखाई जाए सो दैट जी में आप कॉन्फिडेंटली सबको फेस कर सके ऑल right. आगे बढ़ते हैं दोस्तों यस yes, अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ जी में जीडी कितने प्रकार की होती है देखिए दोस्तों आम तौर पे जीडी दो प्रकार की होती है ओके okay, जितने मैंने अलग अलग जीडी के टाइप्स देखे हैं उसमें मोस्टली दो प्रकार के जीडी कॉमनली हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पहली जीडी होती है टेक्निकल जीडी, डी इज जनरल जीडी ओके इसका मतलब ये होता है टॉपिक इज अंडरस्टूड टॉपिक जो होता है वो क्लियरली अंडरस्टूड होता है उदाहरण के लिए मैं जैसे आपको एक टॉपिक बता देता हूं फ्यूचर ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बाय 2030 भारत में ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का भविष्य या ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का पूरा भविष्य 2030 तक क्या होगा अब ये एक सिंपल ऐसा टॉपिक है टेक्निकल या जनरल टॉपिक कहेंगे जो कि हमारे समझ में आ रहा है समझ में आने का मतलब टॉपिक के डिटेल्स नहीं इसका मतलब ये कि कम से कम ये लिखी हुई लाइन तो समझ में आई गई ना कि ये क्या है ऑटोमोबाइल्स का भविष्य पूछ रहा है अब हो सकता है कि इस टॉपिक के बारे में आपको कुछ पता हो या ना पता हो हो सकता है कि इसके बारे में कोई जानकारी ना हो वो एक दूसरी बात है लेकिन देखते साथ आपको टॉपिक समझ में आ गया दैट इज कॉल्ड जनरल टॉपिक्स जनरल टॉपिक्स जैसे करप्शन ये एक टॉपिक आ गया राइट right. जैसे कोई टॉपिक आ गया लव मैरिज ओके वर्सेस अरेंज मैरिज अरेंज मैरिज ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक झटके में समझ में तो आ ही गया है बात क्या करनी है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे समझ में दूसरी होती है एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स की लिस्ट एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स का मतलब ये होता है जो टॉपिक्स कभी कभी कॉन्क्रीट नहीं होते या ऐसे टॉपिक्स जो समझ में ही नहीं आते राइट right? जो टॉपिक्स कभी कभी समझ में ही नहीं आते राइट right. एग्जाम्पल के लिए हमको उनको क्रैक करना होता है हमको पहले समझना होता है कि टॉपिक है किस बारे में उदाहरण के लिए जैसे एक टॉपिक आया था आज से कुछ साल पहले मैं एमबीए के कुछ स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग ले रहा था तो बैच में टॉपिक आया था जगरनाथ वर्सेस व्हाइट टाइगर ये टॉपिक आया था ओके अब घबराने की जरूरत नहीं है इस तरह के टॉपिक्स आपको नहीं आएंगे लेकिन जस्ट समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं टॉपिक था जगर नॉट वर्सेस वाइट टाइगर ओके अब जीडी शुरू हो चुकी है पैनल ने बोला है कि आपका टॉपिक है जगर नॉट वर्सेस व्हाइट टाइगर योर टाइम स्टार्ट नाउ बच्चों को यही नहीं मालूम कि जगर कौन है ये व्हाइट टाइगर कौन है और बात क्या करेंगे अब हम इस पर तो सबसे पहले ये जगर नॉट और व्हाइट टाइगर को डी करना जरूरी है ये समझना जरूरी है कि दरअसल ये टॉपिक है किस चीज के ऊपर जगर नॉट का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके अनस्टॉपेबल अनस्टॉपेबल और ऐसा ही अनस्टॉपेबल एक देश है जो किसी की नहीं सुनता सब जानते हैं चाइना और उसका पीछा करता हुआ एक और देश है जो तेजी से आगे बढ़ तो रहा है लेकिन वो जरा शांत है क्योंकि वो डेमोक्रेटिक देश है एग्रेसिव नहीं है जैसे शेरों में एक येलो कलर के टाइगर्स होते हैं एक व्हाइट टाइगर्स होते हैं व्हाइट वाले टाइगर्स थोड़े शांत होते हैं तो ऐसा ही एक व्हाइट टाइगर जैसा देश है मीडिया जिसको कहती है व्हाइट टाइगर देश का नाम है इंडिया और मीडिया जिसको कहती है जगर नॉट देश का नाम है चाइना तो टॉपिक दरअसल है चाइना वर्सेस इंडिया डी कोड करने के बाद आप इसके ऊपर तो ग्रंथ लिख सकते हैं आप इसके ऊपर बहुत बातें कर सकते हैं घंटे भर वर का वर्कशॉप ले सकते हैं सब कुछ हो सकता है ये होता है एब्स्ट्रैक्ट ये एब्स्ट्रैक्ट का एक टाइप है दूसरा एब्स्ट्रैक्ट ऐसा भी होता है दोस्तों कि आपको टेक्निकल करंट अफेयर्स का टॉपिक नहीं रहता आपको एक इन जनरल टॉपिक दिया जाता है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी राइट ओल्ड इज गोल्ड ओके okay. या फिर व्हाइट सिल्वर लाइन अंडर द ब्लू स्काई ये कहावत है राइट right. इस तरह के कुछ-कुछ टॉपिक्स इनको भी एब्स्ट्रैक्ट बोला जाता है इसका मतलब ये कि इनका रोजमर्रा के जीवन से लेना-देना है करंट अफेयर से नहीं ओके okay. इस तरह के टॉपिक्स आ सकते हैं आपको बिल्कुल आ सकते हैं हमने अपनी लिस्ट में ऐसे टॉपिक्स रखे जानबूझ के जैसे मुझे आज भी याद है मैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज नाम के कॉलेज के फाइनल राउंड सिलेक्शन में था मैंने बहुत सारी तैयारी कर ली थी उस समय कॉमनवेल्थ गेम्स के टॉपिक्स थे टू जी स्कैम का टॉपिक था उस समय और बहुत सारे घोटालों के अलग अलग टॉपिक्स थे मैंने सबकी तैयारी कर ली थी अब अंदर बैठे और उसके बाद हमारा जीडी शुरू हुआ और एक पेट्रोलियम एक पीएसयू कंपनी से एक रिटायर्ड बहुत बड़े जनरल मैनेजर साहब आए थे और उन्होंने हमको टॉपिक दे दिया उन्होंने बोला था कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म इन स्कूल्स एंड पब्लिक जॉब्स इन आई मीन इन गवर्नमेंट जॉब्स ओके तो टॉपिक ये था कि यूनिफॉर्म्स का महत्व स्कूल्स में कॉलेजेस में और ऑफिस में क्या है, है या नहीं है पक्ष और विपक्ष में बात करनी है अब आप सोचिए ये करंट अफेयर्स का तो टॉपिक नहीं है ये एक साधारण इन जनरल टॉपिक है जो हमारे साथ रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो चीजों के ऊपर चर्चा करते हैं जो हम महसूस करते हैं फेस करते हैं इस तरह का टॉपिक है राइट right. इस तरह के टॉपिक्स के लिए भी आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है क्योंकि देर आर ग्रेट चांसेस की सरकारी जॉब के लिए आपको इस तरह की चीजों के ऊपर जरूर आपका व्यक्तित्व की पूरी की पूरी चासनी होगी ही आपको पूछा जरूर जाएगा राइट right. जैसे आपको यह पूछा जा सकता है कि सरकारी डिपार्टमेंट में बढ़ते हुए करप्शन के ऊपर एक युवा व्यक्ति के तौर पे आपके क्या विचार हैं राइट right. और जो करप्शन ब्यूरोक्रेसी में बढ़ रहा है इसको कम करने के लिए अपने विचार व्यक्त करिए राइट right. अब आपको आपका समय दिया गया है आपको उसके ऊपर बात करनी है आपको उसके ऊपर वैलिड पॉइंट्स बोलने हैं अपनी भाषा अच्छी रखनी है ताकि लोगों को समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं प्रभावशाली बात करनी है ताकि आपके बोली हुई बातों का इंप्रेशन पड़े यू शुड क्रिएट एन इंप्रेशन ऑन दिस और उसके बाद आपको उसके ऊपर अच्छा कंक्लूजन भी देना है सो so दैट आपकी बात का कोई ना कोई मतलब निकाला जा सके इस तरह की चीजें जीडी में होंगी ही होंगी और इसके लिए आपकी तैयारी होनी ही चाहिए या तो तैयारी आईने के सामने रहकर हो या तो तैयारी मोबाइल के फ्रंट कैमरे से हो या तो तैयारी इग्नाइट एकेडमी में ज्वाइन करके हो या तो तैयारी किसी आपस में दोस्तों के साथ हो जैसे भी लेकिन ये तैयारी बहुत जरूरी है किसी एक्सपर्ट के गाइडलाइंस के साथ जरूरी है सो दैट यू शैल है परफेक्ट आइडिया ऑफ इट समझ रहे हैं आप चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें हमारे साथ और कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं हाँ भाई अब ये है एमपीएससी का सर्कुलर अब आपने तो ये देखा ही होगा आपने पढ़ा भी होगा यहां पर अगर आप गौर से देखेंगे तो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि गट चर्चा ग्रुप डिस्कशन आयोजित करुण या पद्धति द्वारा घेणिया बाबत आयोगा ने योजले यहां पर यह भी लिखा हुआ है गट चर्चे के स्वरूप खालील इसमें दिया हुआ है कि दस उम्मीदवार होंगे और दस उम्मीदवारों का एक गट यानी एक ग्रुप होगा हर एक गट को दस आई I मीन mean, दस कैंडिडेट होंगे और एक घंटे की उनकी जीडी होगी एकाता अवधि देने ये प्रत्येक उम्मीदवार चर्चे करिता पांच मिनटा वो पूर्ण, पूर्ण साथी वाड़ी एक असा देण्यात येईल इसका मतलब यह हुआ कि आपको पांच मिनट के लिए इंडिविजुअली बोलना है और उसके बाद फिर आपको एक मिनट एक्स्ट्रा बोलना है ओके अब मैं आगे आपको समझाता हूं कि किस तरह के जीडी परफॉर्मेंसेस होते हैं तो उसमें और इसमें क्या फर्क रहता है ओके अब जरा ध्यान से देखिए आप यहां पर आमतौर पर जीडी कुछ ऐसी होती है ऐसा सेमी सर्कल में बिठा दिया जाता है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस या फिर आपको सर्कल बना के बिठा दिया जाता है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस जरूरी नहीं कि हर बार दस कैंडिडेट ही होंगे ये पंद्रह भी हो सकते हैं ये बारह भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दो हैव अप्लाइड फॉर द जॉब सारे स्टूडेंट एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं कभी कभी सबके हाथ में एक पेन और नोटबुक भी दी जाती है कभी कभी नहीं दी जाती है डिपेंड करता है पैनल मेंबर यहां बैठा हुआ होगा आपके सामने दो या तीन लोग होते हैं आमतौर पर पैनल में ये तीन लोग आपकी पूरी पर्सनालिटी में तीन अलग अलग पैरामीटर्स की चेकिंग करते हैं इनमें से कोई एक ऐसा होगा जो आपकी भाषा को सुनेगा एक ऐसा होगा जो आपके नॉलेज और आपके कंटेंट पे ध्यान देगा और एक ऐसा होगा जो आपके डिसिप्लिन आपकी पर्सनालिटी पे ध्यान देगा राइट right? ऐसा हो सकता है अब यहां पर टॉपिक देने के बाद मान लेते हैं ये ए इन्होंने बोलना शुरू किया बीच में ही बी भी बोल सकते हैं उसकी बात को काटकर इधर से कोई एफ वो भी बीच में आकर बोल सकते हैं बीच में आकर मतलब ऐसा like बोलते हुए बोल सकते हैं उसकी बात यहां से जे कट कर सकता है फिर इधर से सी बीच में बोल सकता है तो ये साधारण चर्चा होती है जहां पर कोई नियम नहीं होते हैं राइट एक दूसरे की बात काटी जाती है एक दूसरे की बात के साथ आप मुखालफत कर सकते हैं एक दूसरे की बात को आप डिनाय कर सकते हैं ओके एक दूसरे के ऊपर आप ब्लेम भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा ढंग से ऑफिशियल तरीके से एकदम जैसे हम आमतौर पर लड़ते हैं वैसे नहीं इसके भी अपने कुछ मर्यादा और दायरे होते हैं तो ये एक प्रकार की जीडी होती है इसमें टाइम लिमिट 10 से 15 मिनट हो सकता है 20 मिनट हो सकता है और उसके बाद जब पूरी डिस्कशन हो जाएगी ये पैनल आपके हर एक पॉइंट को नोट करेगा और नोट करने के बाद अगर पैनल को इच्छा हुई तो वो आपको कंक्लूजन देने के लिए इनवाइट कर सकता है कि चलिए आपके हिसाब से फाइनल वर्ड्स क्या होंगे कंक्लूजन दीजिए ये एक हो गया डिस्कशन लेकिन जो सर्कुलर आपको मिला हुआ है यहां पर इस सर्कुलर के हिसाब से अगर हम सोचें तो यहां पिक्चर कुछ और ही है यहां आपके साथ ऐसा होने वाला है कि दस कैंडिडेट होंगे सामने तीन पैनल मेंबर सामने या मान लेते हैं, यहां कहीं साइड में ये बैठे होंगे और इसमें दो लोग भी हो सकते हैं जरूरी नहीं है कि तीन ही हो लेकिन दो एक्सपर्ट हो सकते हैं यकीनन एक से ज्यादा तो होंगे कम से कम दो तो होंगे ही होंगे और एक एक करके हर किसी को बोलने का मौका मिलेगा तो आपकी बात कोई काटेगा नहीं फिलहाल तो इस सर्कुलर से यही दिखता है अब आगे कोई और सर्कुलर जारी होगा तो हम उसके हिसाब से आपकी एक्स्ट्रा तैयारी भी करवाएंगे हमने बैच में उस चीज का भी प्रोविजन रखा है लेकिन अगर मान लेते हैं एक एक करके बात करनी है तो नंबर ए ने बोला अब नंबर ए को बोलना है तो या तो वो अपनी जगह से बोल सकता है या तो वो यहां सामने स्टेज पे आकर बोलेगा बोलने के लिए इन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पांच मिनट एक मिनटा सा कंक्लूजन यानी टोटल छह मिनट आपको बोलना है तो दस बच्चों के हो गए साठ मिनट यानी ये पूरे के पूरे एक घंटे की जीडी इस तरीके से होगी साठ मिनट की जीडी होने के बाद हर किसी को इंडिविजुअली सुना जाएगा और हर किसी के पूरे पॉइंट्स नोट कर लिए जाएंगे अब आप जरा सोचिए यहां पर अगर आप बोल नहीं पाए कम बोले ठीक से नहीं बोले तब भी लोगों की बातों में उनकी आवाज में आपकी आवाज कहीं दबके रह जाएगी और हो सकता है कि आपकी गलतियां इस पैनल को पता ही ना चले हो सकता है ना दस लोग एक साथ चिल्लाएंगे तो कैसे लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा दोस्त यहां आप पूरे के पूरे कंप्लीटली उनके सामने रहेंगे वो भी छह मिनट तक बोल पाएंगे तो भी नहीं बोल पाएंगे तो भी अगर नहीं बोल पाए तो सर नीचे झुकाकर आप खड़े रहेंगे कब तक खड़े रहेंगे थैंक यू बोल के वापस आना पड़ जाएगा और अगर बोलेंगे तो ऐसा नहीं है कि बेफिजूल की कोई भी बात आप बोलते रहे आपको काम का बोलना पड़ेगा वैलिड बोलना पड़ेगा अच्छी भाषा अच्छे शब्द यूज करके बोलने पड़ेंगे लोकल भाषा में आप जो मराठी में शब्द यूज कर लेते आम हैं आमतौर पर हॉस्टल वाली भाषा में दोस्तों के साथ वाली भाषा में अगर उसी की आदत रह गई और वैसा कुछ निकल गया मुंह से गलती से तो भी गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आपके पूरे व्यक्तित्व की जांच हो रही है आपके कपड़े आपने कैसे पहने हुए हैं क्या आप एक ऑफिसर की तरह लग रहे हैं आप कैसे पेश आ रहे हैं बात करते समय क्या आप पैनल की तरफ आंखों में आंख डाल के देख रहे हैं कॉन्फिडेंटली या फिर नीचे मुंडी डाल के आप बात कर रहे हैं आप अकेले आसमान की तरफ देखकर तो नहीं बात कर रहे हैं आप सारे स्टूडेंट्स की तरफ प्रॉपरली देखकर उनको एड्रेस देते हुए बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं इन सारी चीजों का फर्क पड़ेगा इनफैक्ट जब मैं जीडी की ट्रेनिंग कराता हूं तो स्टूडेंट्स को कौन से कपड़े पहनने चाहिए यहां तक कि हाथों का मोमेंट्स कैसा होना चाहिए कौन से शब्दों की तरफ आपको वॉल्यूम बढ़ा के बात करनी है कब आपको धीरे टोन में बात करनी है पैनल की तरफ एड्रेस करते हुए कैसे उनको विश करना है अपने सहभागियों के साथ जब आपके साथ जो दस मेंबर्स हैं उनकी तरफ आपको कौन सी चीजें बोलनी है अगर भीड़ में से किसी ने आपके तरफ उठकर कोई सवाल पूछ लिया तो उसका जवाब किस तरीके से देना है इस सारी अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स मैंने की है और हर बार इस तरह के चैलेंज सामने आते हैं तो मैं जरूर आपको यही सलाह दूंगा कि इन सारी बातों को जो मैं बता रहा हूं उसके बारे में सोचिएगा ये सब चीजें आपको आज नहीं कल इस जीडी की तैयारी में लगने वाली है राइट। लिखे हुए सर्कुलर के मुताबिक तो मुझे ऐसा ही लगता है कि यह होगा राइट दूसरी बात टॉपिक्स अभी तक बताए नहीं गए हैं तो यकीनन कोई भी टॉपिक आ सकता है जो टॉपिक आएगा उसके ऊपर आपका सर्वोपरि ज्ञान होना चाहिए और वो होने के लिए हमने ऑलरेडी 120 टॉपिक्स की लिस्ट जारी की है हमने ऑलरेडी इग्नाइट एजुकेशन में हमने ऑलरेडी 120 टॉपिक्स बना के रखे हैं ये 120 टॉपिक्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे और इसके ऊपर हमारे खास वीडियोस भी रहेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर लगभग लगभग 15 से 20 मिनट के वीडियो रहेंगे, so that आप तैयारी कर ले। so that आपको एक लिए वैसे होंगे जिसका वीडियो खुद मैं बना रहा हूं तो आपको उसका भी एक अलग बेनिफिट मिलेगा ऑल राइट right? तो ये सब कुछ होने वाला है <coughs> हाँ, अभी यहां पर एक और पॉइंट इन्होंने दिया है दो में गट चर्चा शुरू होने या पंद्रह मिनटे आधी विषया की तैयारी करने दृष्टि ने गट निहाय विषय जाहिर के लिया जाईल। आपको सिर्फ पंद्रह मिनट मिलेंगे अपना टॉपिक के बारे में सोचकर कुछ बोलने के लिए यानी जो हंड्रेड एंड ट्वेंटी टॉपिक्स की तैयारी हम आपके लिए करवाने वाले हैं अगर उसमें से एक दो टॉपिक आ गए मान लो तो बस लॉटरी लग गई फिर तो कुछ करना ही नहीं है करना है मन ही मन में और सब कुछ कर लेना है और आर दे, ग्रेट चांसेस की वैसा ही होगा दूसरी चीज ये अगर नहीं तो आपके पास पंद्रह मिनट का वक्त रहेगा जहां पर आपको खुद सोचना है फॉर्मुलेट करना है कि अब इस टॉपिक के ऊपर मुझे क्या बोलना है पंद्रह मिनट इज अ वेरी बिग टाइम ये सफिशियंट टाइम होता है मैं आपको बताऊं आमतौर पर दो मिनट मिलते हैं सिर्फ दो मिनट अलग अलग एमबीए कॉलेजेस में तो दो मिनट कभी कभी ऐसा होता है सिर्फ एक मिनट दिया जाता है सोचने के लिए बस और सीधे बोल दिया जाता है बेल बजाई जाती है योर टाइम स्टार्ट नाउ बस हो गया शुरू राइट right. यहां अच्छी बात यह है कि आपके पास पंद्रह मिनट रहेंगे पंद्रह मिनट के साथ साथ आप हिंदी इंग्लिश मराठी कोई भी भाषा चुन सकते हैं आप अपनी मातृभाषा में आप अपनी राष्ट्रीय भाषा में बात कर सकते हैं इट्स एब्सोल्युटली अप टू यू लेकिन कोशिश ये करिएगा कि अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं देन प्लीज प्लीज गो फॉर इंग्लिश दैट विल अल्टीमेटली गोइंग टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ओके

हाँ भाई तो ये जीडी इस तरीके से कुछ आपकी होने वाली है अब जो मैंने आपको जीडी के वो सर्कल बना के बताए थे उसके अपने कुछ रूल्स भी होते हैं ओके इंडिविजुअल जीडीस के भी और इस तरह से भी तो जीडी में बेसिकली बात करने के लिए हमारे पास किस तरह की स्किल्स हमारे पास किस तरह का हुनर होना चाहिए जरा एक बार इसके तरफ भी नजर मार लें ओके ध्यान से देखिए मैं आपको एक एक पॉइंट आपको बिल्कुल रियलाइज करते हुए समझाता हूं कि इसमें क्या जरूरी होता है राइट कंटेंट विथ गुड सब्जेक्ट नॉलेज स्वाभाविक सी बात है मान लेते हैं कि आपको टॉपिक मिला है फार्म बिल फार्म बिल आजकल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है फार्मर्स बिल ओके सुप्रीम कोर्ट का बाय द वे अभी उसके ऊपर एक स्टे आया है और उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई है वो बात और है लेकिन फार्मर्स बिल ये एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय है मान लो आपको ये टॉपिक आया आपके पास राइट right कंटेंट होना चाहिए बिल का नाम क्या है कितने बिल है उससे क्या होने वाला है कौन से बिल का क्या फर्क पड़ने वाला है उसके प्रोस क्या है कौन क्या है फर्क सरकार क्या बोल रही है फार्मर्स क्या बोल रहे हैं लीगल इश्यूज क्या है इकोनॉमिक इश्यूज क्या है कॉर्पोरेट इश्यूज क्या है बिजनेस इश्यूज क्या है संवैधानिक बदलाव क्या करने पड़ेंगे उसके साथ साथ ये सब बातें इसको बोला जाता है राइट right कंटेंट गुड सब्जेक्ट नॉलेज यह होना बहुत जरूरी है गुड सब्जेक्ट नॉलेज का मतलब होता है कि आपका कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन जबरदस्त होना चाहिए ओके okay. अगर यह है गुंजाइश ही नहीं है कि आप जीडी से बाहर होंगे अगर एक चीज है तो इसके साथ साथ आपको पूरे पांच मिनट बोलने का एक क्लियर सिग्नल मिल जाता है बी रेलिवेंट एंड टू द पॉइंट अक्सर क्या होता है कि पांच मिनट तक बात करने के चक्कर में हम ऐसी फिजूल की बातें बहुत सी कर लेते हैं जिसका उस टॉपिक से कोई लेना देना ही नहीं होता राइट right? क्योंकि हमको यह समझाया गया है कि नीचे मुंडी करके ऐसे नहीं रुकना है तर बस ये इस तरह की बातें और हो सकता है कि हमारे पास बोलने के लिए कुछ रहे नहीं राइट right? ऐसे हालात में हम विषय छोड़कर दूसरे मुद्दों पर बात करके जैसे तैसे पांच मिनट टिपटाने की कोशिश करते हैं लेकिन अगर हमने ऐसा किया भी तब भी बहुत जल्दी हमको काम की बातें भी करनी पड़ेंगी हम फिजूल की बातें दायरा छोड़कर अगर करते रहेंगे तो ज्यादा देर तक टिके नहीं रह सकते पैनल को तुरंत पता चल जाएगा और इसीलिए सब्जेक्ट नॉलेज का होना बेहद जरूरी है Then third, be a good listener. अब इसका अपना एक महत्व है अब आप बोलेंगे सर ये तो बोलने का कंपटीशन है सुनने का थोड़ी वो एक कहावत है ना कि पहले सुनो और उसके बाद बोलो राइट right. जितना कम हो सके उतना कम बोलना चाहिए ओके दिस वे देखिए दोस्तों ऐसा है कि मान लेते हैं कि दस स्टूडेंट्स का ग्रुप है राइट वन बाय वन सबको बुलाया जा रहा है आपका नंबर है नंबर सात सातवें नंबर पे आपको बुलाया ध्यान से सुनना मेरी बात सातवें नंबर पे आपको बुलाया और टॉपिक दिया हुआ है आधार कार्ड का महत्व ये टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ आधार कार्ड इस बंदे ने जो पॉइंट बोले वो इसने, बोले वही इसने, बोले, वही, इसने बोले वही इसने भी बोले वही इसने भी बोले वही इसने भी बोले इसने भी इसने भी और अब आपकी बारी आई है और आपके पास भी कोई दूसरा पॉइंट है ही नहीं बोलने के लिए हो गया ना बेड़ा घर अब सातवें नंबर पे आने वाला बंदा भी वही बातें रिपीट करेगा जो शुरू के छह लोगों ने की है तो आप बताइए कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कितने रहेंगे बहुत कम हो सकता है कि आपने बहुत परफेक्ट बोला हो हो सकता है कि आपने प्रभावशाली मराठी बोली हो।, हो सकता है कि आपने फ्लुएंट फ्लुएंटली बोला हो आप अटके भी नहीं हो कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा हो लेकिन नयापन तो कुछ है ही नहीं ना जिस तरह एक ही एक ही मूवी हम बार बार नहीं देख सकते उसी तरह से एक ही इंफॉर्मेशन वो पैनल बार बार क्यों सुनेगा हाँ अगर वो हर किसी को अलग टॉपिक देता है तो बात अलग है लेकिन ऐसा होगा नहीं अब एक टॉपिक रहेगा तो उसके ऊपर हर किसी को अगर अलग अलग तरीके से बोलना है तो स्वाभाविक सी बात है कि आपके पास उतनी अलग अलग बातें होनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि जब सामने वाला व्यक्ति बात कर रहा हो तो जरा उसकी बातें सुनो उस समय अपना ध्यान कहीं और मत रखो उसकी बातें सुनो सो दैट हमको पता चले कि यानी कौनते पॉइंट मान लें ऑलरेडी अच्छा हे पॉइंट झाले का हम आता मला कहीं तरी दूसरों से बोला लगे तो फिर मैं अपने दूसरे अगर मैं सुनूंगा ही नहीं तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा कि इन लोगों ने कौन कौन से विषयों पर बात की थी और अब मुझे आगे की बात कहां से करनी है इसीलिए लिसनिंग स्किल्स फार महत्व महत्वाहे थे प्लीज याद रखना ये पॉइंट बहुत काम का है इंप्रूव योर कम्युनिकेशन स्किल्स अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करिए बी गुड एट इंग्लिश विथ डीसेंट वोकैबलरी अगर आप इंग्लिश भाषा का चयन करते हैं तो आपको इंग्लिश में अच्छा होना पड़ेगा और साथ ही साथ आप अच्छी वोकैबलरी भी चुनिए सो दैट एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा वोकैबलरी का मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत इफेक्टिव और बहुत री यूज करनी है ठीक ठाक स्ट्रक्चर्ड भाषा में अगर आप एक फ्लुएंटली बात कर सकते हैं तो नथिंग लाइक दैट ओके ऐसे जितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश में बोल सकते हैं दोजू आर कॉन्फिडेंट मस्ट गो फॉर इंग्लिश दैट वुड बी वन वेरी गुड आइडिया टू गेट सेलेक्टेड क्वाइट ईजिली ओके देन

and the jam trinity organized by government in the year 2016. इतना सर हिला रहा है इतना पैर हिला रहा है बार बार ऐसे ऐसे देख रहा है और सबसे बड़ी गलती हाथ फोल्ड करके बैठा हुआ है हाथ फोल्ड करके खड़ा है सबसे पहली बात तो यह कि ये ऐसे हाथ फोल्ड करके कभी आप जीडी में बात कर ही नहीं सकते इसका मतलब होता है ये इस, इस जेस्टर का एक मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि मेरा इस जीडी को पूरा विरोध है मैं मानता ही नहीं जीडी बीड़ी के फालतू के राउंड हटाओ इसको बस इसीलिए हाथ फोल्ड करने वाला व्यक्ति हमेशा नाराज हुआ है ऐसा माना जाता है भाषा में ओके जैसे घूर के देखने का अपना एक मतलब होता है ओके आंखें बड़ी करके देखने का अपना एक मतलब होता है राइट हाथ हिलाकर बात करना इसको इन्वॉल्वमेंट लाना बोलते हैं ठीक वैसे ही हाथ फोल्ड करके ऐसे खड़े रहना ये गुस्से की निशानी मानी जाती है तो ऐसा नहीं कर सकते दूसरा आप सीधे सीधे हाथ ऐसे फोल्ड करके बिल्कुल मिलिट्री पोजीशन में विश्राम सावधान ऐसे करके भी बात नहीं कर सकते दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आप मिलिट्री जेस्टर्स में क्यों आ गए आप बिल्कुल एकदम ऐसे पुतले की तरह स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की तरह खड़े हो गए हैं सावधान पोजिशन में जनगणमण वाली पोजिशन में और अब आप बोल रहे हैं दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आप इतना हिल डुल रहे हैं जैसे पता नहीं आप एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आप अपने आप को संदीप माहेश्वरी समझते हुए इधर उधर वॉक करते हुए बात कर रहे हैं दिस इज आल्सो रॉन्ग आप ऐसे बात कर रहे हैं जहां पर आपका सर नीचे है ना पैनल को देख रहे हैं ना अपने सहपाठियों को देख रहे हैं कहीं नहीं देख रहे हैं और नीचे देखकर ही बात कर रहे हैं दिस इज एप्सोल्यूटली रॉन्ग आप मशीन की तरह बोल रहे हैं जैसे Uh, hello friends the future of indian automobile industry by the year 2025 is very bright we have seen that uh, india has become the largest automobile uh, auto, uh, the country with highest number of automobiles especially in two-wheelers and three-wheelers segment but we are also having the problem of traffic in our country and pollution is also one biggest concern for us so i think that by the year 2030 the future of indian automobile industry is good but we are having certain challenges ab dekho, flow float ab बहुत शानदार इंग्लिश बोल लिया प्रॉब्लम ये है कि जिंदा लाश जैसा एक्सप्रेशन क्या बोला पता ही नहीं अब मैंने न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम है अरे भैया बात कर रहे हैं आपको थोड़ा हंसना पड़ेगा स्माइल देना पड़ेगा गर्दन हिलानी पड़ेगी हाथों का इस्तेमाल करना पड़ेगा इनवॉल्व होना पड़ेगा या जीडी थोड़ा सा मुराव लगे पूर्णपणे तला व्यवस्थित कराव लगे ओके सो आपको ये सारी स्किल्स बेसिकली सीखनी होती है समझ में आया ओके मैं आज भी इस बात को मानता हूं कि जीडी की तैयारी करते समय कंटेंट की तैयारी 40 परसेंट और पर्सनालिटी की तैयारी 60 परसेंट लगती है पर्सनालिटी है तो सब कुछ है राइट और आपका पैनल आपकी शानदार पर्सनालिटी देख के आपको तुरंत सेलेक्ट कर ले बस यही हमारी उम्मीद है और इसके लिए जो भी चीजें जो आपके व्यक्तित्व में देखते साथ सबको पसंद आएगी वो सारी की सारी आप में होनी चाहिए ओके आपकी पर्सनालिटी, आपका रंग काला हो गेहुआ हो गोरा हो कैसा भी हो लेकिन आकर्षक जरूर होना चाहिए दिस इज वॉट वेरी मच रिक्वायर्ड आप समझ रहे हैं राइट ओके देन बी फास्ट एंड क्विक द लास्ट पॉइंट बी फास्ट का मतलब बहुत ज्यादा फास्ट बोलने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका मतलब होता है बी स्मूथ एंड क्विक क्योंकि बार बार आपको मौके नहीं मिलेंगे बार बार आपको बोलने का चांस नहीं मिलेगा तो आपको जितना ज्यादा कंटेंट बताना है उतना बताना चाहिए क्योंकि उससे आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने बढ़ जाते हैं राइट right. एक और बात मैं आप सबको वॉलेंटरीली बताना चाहता हूं यहां पर स्टूडेंट्स देखो <coughs> मान लो दस लोग हैं राइट right. पैनल ने यह नहीं बोला कि सबसे पहले आप आओ फिर उसके बाद आप फिर उसके बाद आप ऐसा उन्होंने नहीं बोला मान लो उन्होंने बोला यस एनी बडी कैन कम एंड स्टार्ट विद द जीडी मान लो ऐसा बोल दिया ध्यान से सुनना मेरी बात मान लो पैनल ने किसी को भी बोला कि यस आप में से कोई भी एक आइए और चलिए अब जीडी शुरू करते हैं तो सबसे पहले कौन आना चाहेगा जरका तन्य असा मंटला मेरी हाथ जोड़के विंती है पहले हाथ उचला जाए प्लीज प्लीज प्लीज, प्लीज हे कराये पहले ले है पंद्रह टॉपिक संगठन आता टॉपिक बदल का है आता तुम्हारा महती है कि प्रत्येक स्टूडेंटनीस पॉइंट सगते सबके सब वही बात करने वाले हैं तो अच्छा है कि सबसे पहले अगर अपन बोल के आ गए तो कॉपी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी को है ना फायदे की बात राइट इसका मतलब यह होता है कि आप गए और आपने अपने पॉइंट्स रखे तो अब पीछे से जो भी पॉइंट बोलेगा वो सब आपको कॉपी करेंगे राइट तो सबसे पहले जाना सबसे बाद में नहीं नहीं तो डर के मारे आप सोचेंगे मग मी सगड़े सी मैं कभी जाए अरे तब तक गाड़ी छूट जाएगी दोस्त तब तक तो वो दो लोगों का सिलेक्शन करके निकल चुका होगा समझ में आ रहा है इसीलिए इस तरह की गलती इस तरह की छोटी छोटी बेवकूफियों के वजह से कभी कभी जीडी हाथ से निकल जाती है राइट सबसे पहले जीडी में पार्टिसिपेट करने का एक बहुत बड़ा फायदा यह होता है कि आपने इनिशिएटिव लिया आपने हिम्मत करके सामने आने का एक एक जोखिम उठाया इस बात के लिए आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं पहली बात दूसरी बात यह कि क्योंकि आप पहले ही मेंबर हैं हर किसी का ध्यान आपके ऊपर रहता है इसका मतलब आपको मैक्सिमम अटेंशन भी मिलता है और तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि आपके पाप लोग कॉपी करेंगे आपको किसी को कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सबसे पहले नंबर पर थे Right? तो ये इसके कुछ फायदे होते हैं -E में आप आएंगे और जब आपकी जीडी चालू होगी आई विल बी देयर तो आई विल बी हेल्पिंग यू आउट विद ऑल सच टाइप ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स चलिए तो शुरुआत करते हैं डूज और डोंट्स की एक लिस्ट के साथ कि में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये रही कुछ लिस्ट अच्छे अच्छे पॉइंट्स है इसमें जरा ध्यान से देखिए डूज अब हम बात कर रहे हैं डूज कि जीडी में क्या करना चाहिए ओके लिसन एंड अंडरस्टैंड डोंट हियर एंड जज ओके ठीक से सुनो और समझो सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके आप अंदाजा मत लगाओ कि ऐसा असल इसीलिए लोग क्या बोल रहे हैं उसको ठीक से सुनो मैं बार बार आपको यह बात याद दिला रहा हूं कि लिसनिंग स्किल्स का बहुत महत्व है अगर आपने लोगों की बातें ठीक से सुनी है तो आपके पास हर मौका है कि बात आगे बढ़ाएं और सेम सेम बातें ना करें नहीं तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है आपकी बातें सुनने में दूसरा पेन डाउन योर थॉट्स देखो गाइस पंद्रह मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है पंद्रह मिनट में आप प्लीज कोई बेवकूफी मत कर देना कि हम्म ठीक मन मनात चार पॉइंट्स पॉइंट ले, मनात लेना भैया आप कोई चैतन्य महाप्रभु नहीं है मनातले मनात क्या है नोटबुक निकालो पेन निकालो फटाफट लिख लो सारे पॉइंट्स उसके बाद उसको पढ़ के देखो प्रैक्टिस कर लो दस मिनट लिखो पांच मिनट बोल के देखो और उसके बाद फिर आप ये सारे काम करो इसीलिए अपने सारे विचार लिखने चाहिए ये बहुत जरूरी है समझ में आया ओके इनिशिएटर इफ यू नो द टॉपिक वेल मी संगल सी तैयारी है तो प्लीज प्लीज इनिशिएट के पाहिजे पैनल ने जर का कि चलिए एनी वन कैन कम एंड स्टार्ट विथ द जीडी तो प्लीज जाना सबसे पहले तुम चले जाना सबसे पहले इसका एक अलग फायदा रहेगा राइट right? और गर्ल्स के केस में तो ये और ज्यादा बेनिफिशियल है अगर कोई लड़की इनिशिएटिव लेके सबसे पहले आती है डबल बोनस है राइट तो उनको तो सच में जाना चाहिए अगर तैयारी सॉलिड हुई है तो देन फोर्थ सपोर्ट योर पॉइंट विथ सम फैक्ट एंड फिगर्स राइट ओके एमबीए के समय हम लोग को एक बहुत अच्छा फॉर्मूला सिखाया गया था मैं आज आपको बताता हूं वो मजा आएगा वाईगौर देखना तीन प्रकार के तीन प्रकार के एलिमेंट्स किसी भी सिलेक्शन में बहुत जरूरी होते हैं सी एफ और एस सी का मतलब होता है कंसेप्ट दुनिया आपकी बात तब तक सुनने में विश्वास नहीं रखती जब तक आपके पास कंसेप्ट नहीं है चाहे आप एम कर रहे हो चाहे आप एमपीएससी चाहे आप यूपीएससी चाहे आप कोई भी परीक्षा कहीं भी जा रहे हो बिना कंसेप्ट के बात करने वाला आदमी सिर्फ मूर्ख लगता है इसीलिए आज ही इस बात को आप अपने भेजे में डाल लें कंसेप्ट पाइजे को विषय असो वन नेशन वन इलेक्शन कंसेप्ट पाहिजे फार्म बिल कंसेप्ट पाहिजे जीडीपी जीएनपी कंसेप्ट पाहिजे ओके प्रॉब्लम्स ऑफ प्रॉब्लम ऑफ सुसाइड विद द फार्मर्स कंसेप्ट पाहिजे okay. महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम कंसेप्ट पाहिजे कंसेप्ट के बिना बात ही नहीं कर सकते दूसरा कंसेप्ट नुस्त कंसेप्ट सांगून काम बनना नहीं तेला फैक्ट एंड फिगर्स का सपोर्ट सुधा पाहिजे कल को आपके बॉस आपसे यही एक्सपेक्ट करेंगे आप अपने बॉस को सिर्फ कंसेप्ट बता के चले जाओगे उसको कभी सेटिस्फैक्टरी लेवल पे लगेगा ही नहीं कुछ भी प्रत्येक कंसेप्ट के हम फैक्ट ऑन फिगर्स पाईजिए उसके बिना कोई भरोसा कैसे करेगा ओवरऑल मैथमेटिकल आंकड़ों का ही पूरा जमाना है इसीलिए फैक्ट और फिगर तो चाहिए ही चाहिए फैक्ट और फिगर और कंसेप्ट दोनों होने के बावजूद भी अगर पर्सनालिटी में दम नहीं है तो आपकी बातें बोरिंग लगेंगी लोगों को लोग तब भी सो जाएंगे ध्यान नहीं देंगे इसीलिए इन दोनों को पेश करने के लिए स्टोरीज चाहिए अच्छी कहानी चाहिए ह्यूमन माइंड को कहानी सुनना बहुत पसंद है दोस्तों इसीलिए अगर आप लोगों की आदत बरकरार रख सकते हैं उनको कोई कहानी सुना के उस कहानी के माध्यम से फैक्ट और फिगर और कंसेप्ट बता सकते हैं नथिंग लाइक दैट ओके लेकिन ध्यान रखिएगा कहानी बहुत ज्यादा लंबी ना हो हमारे पास पांच मिनट ही है बस नहीं तो पता चला गाड़ी छूट जाएगी आप राजा महाराजाओं की कहानी बताते बैठेंगे राइट सो डू नॉट डू दैट ओके स्पीक पोलाइटली नम्रतापूर्वक बात करे स्पीक प्लेजेंटली उत्साह के साथ बात करे डरे हुए मरे हुए मरियल मुरझाए हुए चेहरे से बात ना करे रेस्पेक्ट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर मेंबर्स, बाकी के लोग क्या बोल रहे हैं बाकी के लोगों का उत्साह कैसा है किसी ने कुछ अच्छी बात बोली तो आपको वहां पर उसकी तारीफ करनी चाहिए या एटलीस्ट आपको जरूर बोलना चाहिए वेल well डन आप ऐसा चाहो तो धीरे से बोल सकते हो राइट right? या फिर आप एप्रिशिएट करते हुए स्माइल दे सकते हो पता चला सामने कोई बोल रहा है आप अपनी तैयारी में लगे पड़े हुए हैं आप उसकी बात की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहे ऐसा ना करें एक अच्छे श्रोता बने राइट दैट इज इंपॉर्टेंट लुक एट द इवेलुएटर्स एंड पार्टी एंड और अ पर्टिकुलर ग्रुप मेंबर यस अपने सहपाठियों के तरफ भी देखें और पैनल के तरफ भी देखें एग्जाम्पल के लिए मान लो कि मेरा पैनल यहां बैठा हुआ है और सामने नौ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो अब मेरा मेरा पोजीशन कैसा होना चाहिए मैं आपको एक करके बताता हूं एक डेमो सो दैट आपको थोड़ी सी मदद हो जाए समझने में लेट्स से टॉपिक ऐसा है Hello friends, the topic uh, for today's uh, group discussion is what is the future of Indian automobile industry by the year 2025? Well, uh, I would like to start with uh, one of the fact and figure related to this GD part is that India is the market of highest two wheelers in the world. In fact, we are also having the largest number of three wheelers in our country. But over a period of time, what uh, we are observing is the country is suffering badly from pollution and we are also having some parking problems, then infrastructure problems. Our roads are not sufficient enough to accommodate so much, uh, so much quantity of vehicles on that. So obviously over a period of time, some good infrastructure is also required here. So I think that the future of Indian automobile industry is although very bright, but there will be certain challenges as well. Okay. Samajraya. कैसे बात कर रहे हैं अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चलता फिरता रहूं मैं निकलता रहूं मेरे हाथ पांव बिल्कुल ऐसे हैं मैं इधर भी देख रहा हूं इधर भी देख रहा हूं लोगों के साथ रूबरू हो रहा हूं अपने अपने तरीके से हर किसी से आंखें मिलाने की कोशिश कर रहा हूं समझ में आया तो कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको लेकर आपको एक अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी समराइज द डिस्कशन इफ द ग्रुप हैज नॉट रीच्ड द कंक्लूजन ये भी एक अच्छी बात है कि आपको कंक्लूजन देने की कोशिश करनी चाहिए अगर जरूरत पड़ती है तो हाँ अब डोंट्स क्या होने चाहिए जीडी में क्या नहीं करना चाहिए ध्यान से देखिए बी दी अर्नब गोस्वामी समझ में आया क्या अदरवाइज अर्नब गोस्वामी और एक और है ठोको ताली याद आया ना हां नवजोत सिंह सिद्धू हां बोलने ही नहीं देते किसी को अर्नब गोस्वामी हे भगवान एक बार वो शुरू हो जाए तो वो किसी को बोलने ही नहीं देते ऐसा मत करना कि नॉनस्टॉप जो बोले पड़े हुए हैं सांस भी नहीं ले रहे हैं और रगड़े पड़े हुए हैं बिल्कुल पांच स्टॉप पांच मिनट तक वॉल्यूबल की तरह बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे इससे आपका कंफर्म रिजेक्शन तय है लिख के ले लो क्योंकि आप मैनर्स के भी बाहर चले गए हैं टिकेट्स और रूल्स के ऐसे थोड़ी होता है तो इस तरह की चीजों को भी अपनी एक लगाम देनी पड़ती है ओके okay, मैं जब एमबीए में था तो ई e क्लर्क नाम की एक कंपनी आई हुई थी और वहां पर हमको एक टॉपिक दिया हुआ था और उस समय एक स्टूडेंट ने दस मिनट की जीडी में नौ बार बोला था नौ बार ओके okay. कंफर्म पता था कि इसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है और उसके बाद उन लोगों ने उसको रिजेक्ट कर भी दिया था ओके दैट इज समथिंग विच इज ओवर डूइंग ऑफ थिंग्स हाँ, स्वाभाविक है जो हो सकता है लेकिन कभी कभी होता है ना सामने स्टेज पे गए और ब्लैंक हो गए अब कुछ सूझ ही नहीं रहा है या पता चला कि टॉपिक के बारे में वैसे भी कुछ मालूम ही नहीं कुछ भी नहीं पता राइट ऐसे हालात में हम पैनिक हो जाते हैं तो हमारे एक्सप्रेशन कुछ ऐसे रहते हैं अब अब ये स्वाभाविक सी बात है कि आपके दिमाग में आपके मन में जो टेंशन है वो साफ साफ पैनल को दिख रहा है ओके। okay, बॉलीवुड इंडस्ट्री में जैसे फिल्म एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं ना उनकी एक क्वालिटी बहुत अच्छी होती है एक कहावत है कि मन में कुछ भी चल रहा हो चेहरे पे कभी दिखाना नहीं चाहिए यस yes, आपको वो कला सीखनी पड़ेगी इट इज रियली इंपॉर्टेंट ओके अरे भाई कोई बात नहीं टॉपिक के बारे में नहीं पता है तो नहीं पता है इट्स ओके okay. नहीं पता है तो फिर क्या बोलना है ये अपने आप में टैलेंट है राइट जब जीड़ी शुरू होगी तो आपको सिखाएंगे बताएंगे राइट तो इस तरह की चीजों के साथ भी डील करना पड़ सकता है कॉन्ट्राडिक्ट रूडली कभी कभी आप किसी मुद्दे के ऊपर कुछ अच्छे विचार नहीं रखते जैसे मान लीजिए फार्म बिल ही ले लीजिए ओके फार्म बिल अब फार्म बिल वाला टॉपिक आ गया और आपको लगता है कि शेतकड़ियों के साथ अन्याय हुआ है और आप भूल ही गए कि जीडी में है आप आप बिल्कुल उस एंग्री फ्रस्ट्रेटेड फार्मर की तरह बात कर रहे हैं कांगू का है ही, पाउस येत नहीं है तर पीक पाउस का ही भरोसा नहीं है अभी परिस्थिति होने गई गवर्नमेंट लाइ गवर्नमेंट का ही ठरन गए चांगला मार्केट नहीं है और आप इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गए इतने रूड हो गए आप भूल ही गए कि ये जीडी है यहां पर अपनी एक मर्यादा है ओके यहां पर आप अपनी पर्सनल बातें अपने पर्सनल इमोशंस को कंट्रोल में रखें अदरवाइज दायरे के बाहर निकल जाएंगे आप समझ में आया राइट right. कभी कभी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में पाकिस्तान को गालियां देते 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 आदमी भूल ही जाता है कि वो कहां बैठा हुआ है तो इस तरह से भी बात नहीं करना है नहीं तो पता चला कुछ ओवर डूइंग हो गई और इमोशनल जीडी बन जाएगी वो कंप्लीटली आपके पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे राइट right? तो रूड बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं करना है राइट right? पता चला उन लोगों ने बोल दिया कि ओके योर टाइम इज अप तो चुप ही नहीं बैठ रहे हैं तब भी लगे पड़े हुए सुन रहे, सुन भी नहीं रहे हैं कि वो क्या बोल रहा है हम अपनी बातें कर रहे हैं तो दैट शुड नॉट बी डन अदरवाइज दिस इज अ रियल मिसकंडक्ट और इसके वजह से प्रॉब्लम हो सकती है ओवर स्पीकिंग इंटरवीन स्नैच अदर्स चांस टू स्पीक अब ये इसकी आपको जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी इंटरेक्टिविटी तो है नहीं अगर नहीं पड़ेगी तो अच्छी बात है लेकिन अगर पड़ गई तो हमको सर्कुलर में तो वैसे ही पता चल जाएगा तो हम उसकी तैयारी भी कर लेंगे आर्ग्यूमेंट शाउट ड्यूरिंग द जी डी हाँ यस ये बहुत जरूरी है कि आपका वॉल्यूम कैसा है आपका टोन कैसा है एक होता है बहुत धीरे टोन में बात करना पता ही नहीं चलता कि आप खुद इंटरेस्टेड है या नहीं अनस्टेड लोगों की तरह बात करते हैं एक होता है इंटरेस्टेड होना साधारण टोन में बात करना एक होता है डिस, डिस होना सब्जेक्ट को रखना और एक होता है ओवर इंटरेस्टेड होना बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होते हुए खूब चिल्ला चिल्ला के बात करना खूब ज्यादा अटेंशन सीकर बनने की कोशिश करना ये भी आपके लिए गलत हो सकता है ऐसे में आपको नेगेटिव पॉइंट्स दिए जा सकते हैं और आप जीडी से बाहर भी हो सकते हैं राइट डोंट ट्राई टू डॉमिनेट द डिस्कशन इंपॉर्टेंट एंड फनी पता चला आपने लोगों को हराने के चक्कर में जब वो बात कर रहे हो तब कोई फिजूल की हरकत कर दी सामने बैठे हुए कुछ इशारेबाजी कर दी ताकि उसका ध्यान भटक जाए बेहद गलत है यह तरीका पैनल को पता चल गया आप जगह से बाहर हो जाएंगे दूसरी बात आपने जबरदस्ती हीरो बनते हुए सवाल पूछ लिए वहां पर अगर सवाल पूछना अलाउड है वो पहले ही बताएंगे आपको सवाल पूछना अलाउड है तो जरूर पूछो जरूर पूछो सवाल पूछना अपने आप में एक निशानी है कि आपका जीडी में पूरा ध्यान है लेकिन अगर नहीं है तो आप खा उनका वक्त बर्बाद मत कर देना फालतू में ऐसे में जीडी और लंबी हो जाएगी राइट सो प्लीज कुछ कुछ दायरों को समझने की कोशिश करें ये सब बहुत जरूरी है राइट right? हाँ सॉरी यस yes. अब आ जाते लास्ट में बैच के डिटेल्स के ऊपर जो हमारी बैच आने वाली है जीडी की ये दो अलग अलग पार्ट्स में रहेगी मैं आपको आज क्लियरली समझा देता हूं कैसा रहेगा कंप्लीट जनवरी मंथ अभी जो जनवरी मंथ चालू है इस जनवरी मंथ में आपको हमारे तरफ से जीडी टॉपिक्स के वीडियोस मिलने वाले हैं जी टॉपिक्स वीडियोज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी चालू हो चुका है मेरा वीडियो इसके नीचे वीडियो में आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे देखेंगे तो आपको एक गूगल लिंक दिखेगी जो कि हमारा एक फॉर्म है एडमिशन का फॉर्म है आप उस लिंक पे जाइए और वो फॉर्म फिलअप कर दीजिए इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर जीडी एडमिशन राइट और जनवरी में आपको ये पूरे जीडी टॉपिक्स के वीडियोस मिल जाएंगे आप इनको देखिए अपनी फटाफट बढ़िया तैयारी करिए और फेब्रुवरी मंथ में हम आपकी एक्चुअल जीडी शुरू करेंगे जब आपको यहां बुला के डायरेक्टली आपका जीडी पार्टिसिपेशन वाला पार्ट कंप्लीटली ढंग से किया जाएगा वन टू वन डिस्कशन होगा वन टू वन काउंसिलिंग होगी आपकी एक, एक एक छोटी छोटी चीज बारीक चीजों के ऊपर ध्यान दिया जाएगा तो इसी के कुछ पॉइंट्स हैं। अथरा प्रिपरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट एनरोल्ड विल बी प्रोवाइडेड आपकी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी अ टोटल ऑफ मोर देन 120 टॉपिक्स ऑफ जीडी डी विथ इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन विल बी प्रोवाइडेड इन वीडियो फॉर्मेट्स फॉर प्रिपरेशन आपको तैयारी के लिए 120 आई रिपीट 120 से भी ज्यादा टॉपिक्स हम देने वाले हैं इतना काफी हो जाएगा इस 120 टॉपिक के बेस पे आप एक टॉपिक तो ढंग से बोल ही पाएंगे उसके बाद आपको उसके भी ताकि अनलिमिटेड ज्ञान है, है आप पढ़िए और अपना भला करिए एटलीस्ट थ्री टू फोर मॉक जीडीज टू ईच स्टूडेंट फॉर थर प्रैक्टिस तीन से चार मॉक जीडीज आपको दी जाएंगी हमने यहां पर एक प्रावधान रखा है कि जरका वेगड़ा सर्कुलर आल पार्टिसिपेटिव जी डी रह सोला तो फिर इसके लिए हमने एक जीडी उसमें एक्स्ट्रा रखी है राइट तो उस बात को भी आप ध्यान में रखिए वन टू वन फीडबैक आपको दिया जाएगा आपकी काउंसिलिंग भी की जाएगी कि तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं क्या अच्छी चीजें हैं बढ़िया फीडबैक मिलेगा ओके अ सेपरेट सेशन ऑन डूज एंड डोंट्स एंड ड्रेसिंग स्टाइल्स विल बी गिवन यस सारे स्टूडेंट्स का एक क्लासरूम सेशन भी होगा जिसमें आपको डूज और डोंट समझाए जाएंगे और आपकी ड्रेसिंग स्टाइल भी बताई जाएगी ऑब्वियसली बात है वहां पर आप टी शर्ट और जीन्स पहन के तो जा नहीं सकते वहां पर आप सैंडल्स और फ्लॉटर्स पहन के तो जा नहीं सकते तो गर्ल्स के लिए कुछ अपने अलग यूनिफॉर्म्स होते हैं अलग ड्रेसिंग स्टाइल्स होते हैं बॉयज के लिए अलग होते हैं उन सबके ऊपर भी चर्चा करेंगे सो so दैट समय रहते आप अपने ड्रेस कोडिंग्स वगैरह ढंग से कर सके ऑल विल बी रिकॉर्डेड। हर एक जीडी को हम रिकॉर्ड करने वाले हैं जब आप बात करेंगे सारी चीजों को हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको पूरी रिकॉर्डिंग्स हम प्रोवाइड करेंगे यस yes, ये आपको एक यूनिक फीचर मिलेगा जो इग्नाइट एकेडमी आपको दे रही है यहां पर आपको पूरे के पूरे जीडीस जीडी रिकॉर्डिंग मिलेंगे अच्छे स्टूडेंट्स के रिकॉर्डिंग मिलेंगे टीचर्स किस तरीके से बात कर रहे हैं उनके रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे और आपको अपनी ही जीडी घर जाके देखने का भी एक अच्छा मौका मिलेगा तो आप खुद देखिए कि जब आप बात कर रहे थे तो आप आईने में कैसे लग रहे थे आप सामने कैमरे में कैसे दिखाई दे रहे थे इससे काफी फर्क पड़ेगा आपको आपकी जीडी में इंप्रूव होने के लिए राइट इतना ही नहीं अगर कुछ पॉसिबल हो पाया तो आप दूसरों की जीडीस को देखकर भी ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट इज आल्सो वेरी मच अलाउड एंड वेरी मच पॉसिबल हियर राइट तो ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट पावर पैक प्रोग्राम है जिसमें ढेर सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं और जिस प्राइस पे ये आपको मिल रहा है उसके सामने तो इतने सारे अलग-अलग फीचर्स -अलग कुछ भी नहीं है मतलब ये सारी चीजें बहुत ही कम कीमत पे आपको ये सब कुछ कंप्लीटली कवर करके मिल जाएगा सो so प्लीज बिना देर किए आप जितने जल्दी हो सके वो गूगल लिंक वाला फॉर्म लीजिए अप्लाई करिए

doubts, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं अगर आपको किसी तरह का एडमिशन रिलेटेड पर प्रॉब्लम है कुछ समझ में नहीं आ रहा है तब भी आप इस नंबर पे फोन करके इंक्वायरी कर सकते हैं राइट और जीडी को लेकर अलग अलग सर्कुलर जैसे ही सामने आएंगे हम आपको बताते चलेंगे बट We are ready. Our team is ready and we want you to be ready as soon as possible. So thank you so much for being at the video till the end. Hope to see you soon at Ignite Academy. Thank you so much. Bye bye. Have a very nice time.